नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी सोल फैमिली का तहे दिल से स्वागत है। क्या हमारे हस्बैंड या वाइफ हमारी ट्विन फ्लेम हो सकती है? क्या वो हमारे ट्विन फ्लेम होते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसी क्वेरीज काफ़ी सारी आई हैं। चलिए डिटेल्स से इस पर बात करते हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम गाइडेंस को लेकर। इसके लिए मैं टैरो कार्ड रीड करने वाला हूँ। जिन भी लोगों की एनर्जीज काफ़ी हाई या लो रह रही हैं, उनके लिए गाइडेंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, शिव शक्ति पुराण में शिव, जिन्हें प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती, माँ गौरी साधनाएँ करती हैं, उन्हें प्राप्त करती हैं पति के रूप में। जिस तरीके से दो हस्बैंड वाइफ उनका संबंध होता है गहरा, बिना पूर्व जन्म के संबंध के कोई भी व्यक्ति आपके इस जीवन में नहीं आ सकता है। और ऐसा नहीं हो सकता, आप हस्बैंड वाइफ हैं या आपकी कोई वाइफ है या आपका कोई संतान है, तो उससे आपका पास्ट लाइफ रिलेशन नहीं है, क्योंकि कर्मा रहते हैं उसके साथ। और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ ही ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे इन दिनों ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ लोग अपने हस्बैंड और वाइफ को ट्विन फ्लेम बिल्कुल भी नहीं मानते, कोई और पर्सन उनका ट्विन फ्लेम होता है। ऐसा रेयर केस में होता भी है, लेकिन आपको पहले ये अंडरस्टैंड करना चाहिए सम टाइम वहाँ पे इमोशंस बिल्कुल भी नहीं हैं, वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, टॉक्सिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं है। ट्विन फ्लेम क्यों आते हैं अर्थ पे, इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो आप ये समझ जाएंगे हस्बैंड और वाइफ क्यों ट्विन फ्लेम होते हैं। और जिन परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता है, वो परिस्थितियाँ कौन सी होती हैं? सबसे पहले वो आते हैं न्यू चैलेंजेस को फेस करने के लिए, इस अर्थ पे अनकंडीशन लव को एमिट करने के लिए, चाहे वो किसी तरीके का रेसिज्म हो या किसी तरह का रंग भेद हो या किसी भी तरीके का जातिवाद हो, उसको ब्रेक करने के लिए आते हैं। एक अनकंडीशनल लव दुनिया में एस्प्रेड करने वाले होते हैं। ये मास्टर सोल्स हैं, कुछ ना कुछ लर्निंग लेके ज़रूर आएंगे और दूसरों को भी लर्न कराएंगे। और आपको भी ये समझना होगा, हमें अपने वैल्यूज़ अपने आप को बदलना पड़ेगा ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ईच अदर बहुत ज़्यादा चैलेंज क्रिएट करते हैं, स्ट्रगल्स क्रिएट करते हैं। ये स्ट्रगल्स उनके आत्मोत्थान में बहुत ज़्यादा मदद करता है। दिस इज़ नॉट ओनली रोमांटिक रिलेशनशिप, दिस इज ए चैलेंजिंग रिलेशनशिप आल्सो। इसमें आप खुद की कमियों को स्वीकार करते हैं, खुद के अंदर छुपे विकारों को स्वीकार करते हैं। इस वजह से ट्विन फ्लेम कनेक्शन बस इस बेसिस पे नहीं करना है कि वो पर्सन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें किसी को भूल नहीं पा रहे, आपको साइंस मिल रहे हैं। इन दिनों मैं काफ़ी सारे ऐसे चार्ट देख चुका हूँ जिसमें ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वो हस्बैंड और वाइफ हैं। तो ऐसा बहुत बार पॉसिबल होता है, कई दोनों के कर्म प्रारब्ध उस तरह से हील होता है कि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अनलॉक कर पाते हैं। क्योंकि अब हम देखते हैं चार्ट से, चार्ट में जो आपका दर कारक ग्रह होता है, अर्थात लोएस्ट डिग्री ऑफ प्लैनेट इज रिलेटेड टू योर स्पाउस, योर पास्ट लाइफ चैलेंज, वो प्लैनेट आपके लाइफ में चैलेंज भी लाता है और कहीं ना कहीं आपके लिए स्पाउस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अकॉर्डिंग टू जैमिनी ऋषि, आपके जैमिनी ज्योतिष में बहुत क्लियरली बताया गया है, राहु केतु को छोड़ के जो भी सेवन प्लैनेट्स में से सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, जो भी उस फेज में बैठा, वो गहरे से आपके स्पाउस को, आपकी पत्नी या पति को संबंध रखता है और उसका संबंध आपके पूर्व जन्म से डेफिनेटली होगा। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन जिस भाव में बन रहा है, जिस राशि और किस योग में बन रहा है, ये बहुत मैटर करता है। और इससे आप निकाल सकते हैं कि कोई पर्सन आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और कौन सा प्लैनेट आपके सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस से रिलेटेड है। ये दोनों स्थान को देख के आप डेफिनेटली जान सकते हैं कि वो हस्बैंड हमारा ट्विन फ्लेम है कि नहीं, क्योंकि उनके भी चार्ट आपके पास होगा, आपका स्वयं का चार्ट भी आप अपने पास रखते हैं। तो इससे आप डेफिनेटली एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपका दर कारक प्लैनेट उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, आत्म कारक है, योग कारक है या किसी तरीके से सोल सिग्निफिकेटर है या इम्पॉर्टेंट रखता है दर कारक उनका भी वही है, तो डेफिनेटली दिस इज रिलेटेड टू पास्ट लाइफ, आल्सो रिलेटेड टू सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन। अब यहाँ पे अगर इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स हैं दर कारक ग्रह में, प्रॉब्लम्स हैं पत्नी भाव के स्वामी ग्रह के साथ, तो प्रभाव इसका ये मिलता है कि भले वो ट्विन फ्लेम हो,
मैरिज भी हो जाए ट्विन फ्लेम से, लेकिन वहाँ पर उस तरीके का अनकंडीशन लव क्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि देयर इज अ चैलेंज टू मच, क्योंकि काफ़ी कुछ लर्निंग करनी है, लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, इकोनॉमिकल बेसिस पे, मनी के बेसिस पे, करियर के बेसिस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। इवन यही नहीं, आपके इमोशनल स्तर पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। आपके भावनात्मक स्तर पे हो सकता आपके अंदर जो इनकम्प्लीटनेस है, आपके अंदर जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी है, वो भी आपके पार्टनर के साथ बिल्कुल यहाँ मैच ना करें। तो इससे हम ना डिसाइड कर सकते हैं कि वो हमारा ट्विन फ्लेम नहीं है या है। आपको ये समझना पड़ेगा, ट्विन फ्लेम आपको चैलेंज जरूर देगा। वो चैलेंज आपके भीतर की इथिक्स और वैल्यूज को जागृत करेगा, और कहीं ना कहीं यही कारण बनता है चेंज का। क्योंकि बड़ा परिवर्तन बड़े दुख और पश्चाताप के बाद आता है। बड़ा परिवर्तन आपको स्वयं को बदलने पे प्रेरित करता है। तो जो एनर्जी शिफ्ट हो रही हैं, न्यू मून बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, इस पे बिग मेडिटेशन आने वाला है जिसे आप लाइव अटेंड कर सकते हैं, जिसे आप यूट्यूब पे और नीचे टेलीग्राम का लिंक अगर दिया हो वहाँ ज्वाइन हो जाइए, किसी ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ जुड़ के आप लाइव मेडिटेशन अटेंड कर सकते हैं जूम पे, अदरवाइज लाइव यहाँ आएगा। उस दिन हम लोग लाइव बुद्धा का मेडिटेशन बुद्ध पूर्णिमा के दिन करने वाले हैं, जिससे हमारे रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, करियर में ग्रोथ मिलेगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। सो आपकी एनर्जीज कैसी हैं? आप TF हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है? मैं एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए निकाल लेता हूँ। कुछ कार्ड्स मैंने पहले पिक कर लिए हैं, एक कार्ड और हमारा आ जाता है, देन आपकी एनर्जीज़ को गाइड कर देता हूँ। अगर रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, दिस इज़ फॉर यू। सो पहला कार्ड आया है 6 ऑफ रफेल। दिस कार्ड इज़ रिलेटेड टू यूनियन आल्सो। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, आप लोगों के बीच इथर्नल लव, मतलब जो प्रेम बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल, उसे क्रिएट करने की ज़रूरत है। न्यू फ्रेंड्स ज़रूर बनाइए, बट कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड को अभी आपको दोनों को हील करना चाहिए। दिस इज़ फॉर यू। अगर DF हैं तो मस्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, अपने अंदर चाइल्डहुड बनाना है, अपने अंदर इनर चाइल्ड को हील करना है। दूसरा कार्ड है, क्योंकि फुल मून आ रहा है तो एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहेंगी, इस समय आपको एनर्जीज अपनी लॉक करना चाहिए, अपनी एनर्जी को एक प्रोटेक्शन देना चाहिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। आर्कएंजल माइकल एस ऑफ माइकल है, अगर आप कोई काम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो फुल मून आने वाला है। फुल मून बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दिस एनर्जी इज़ रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशंस, तो विभिन्न प्रैक्टिसेस के द्वारा, और जो मेरा मेडिटेशन आ रहा है उसको भी आप लाइव अटेंड करके मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी लाइफ में डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। नेक्स्ट जो कार्ड आपका आ रहा है वो सॉल्यूशंस की ओर आ रहा है। सॉल्यूशंस किस चीज़ का मिलेगा? इफ़ यू फील अ प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है, तो उसको सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जो आउटकम आ रहा है उसको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल करना है। और डेफिनेटली समय गलत मत बोलें, क्योंकि राइट वर्ल्ड का स्विच वर्ड्स यूज़ करिए, बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं जो रॉन्ग वर्ड्स उच्चारण कर रहे हैं, तो सेल्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप उन चीज़ों को उच्चारण करते हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको वही सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला होता है। तो फुल मून के आसपास ध्यान दिया करिए, जब आपकी हीलिंग चल रही हो तो कभी भी ऐसे वर्ड्स मत बोलें, अदरवाइज ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्योंकि ये मैंने क्या कहा, दिस रिलेशनशिप ऑल अबाउट चैलेंजेस एंड लव। तो चैलेंज, एक दूसरे से जब आप रूठते हैं, मनाते हैं, एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, दिस इज फॉर योर हीलिंग। ये सिर्फ आपकी वैल्यूज़ को, आपके अंदर के विकारों को शुद्ध करने के लिए ही हो रहा होता है। तो ट्रस्ट करें यूनिवर्स पे, ट्रस्ट करें प्रोसेस पे, तो आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, जो भी मुस्कुराते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइव मेडिटेशन अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।